नमस्कार दोस्तों, आज हम मोबाइल ऑन ऑफ एवं वॉल्यूम स्विच बेल्ट में आने वाली प्रॉब्लम और उसके रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। इससे दो तरह की प्रॉब्लम आती है, या तो स्विच काम नहीं करता है या स्विच शॉर्ट हो जाता है। जब ऑन ऑफ की स्विच काम नहीं कर रही हो तो मोबाइल चार्जिंग तो होगा लेकिन ऑन नहीं होगा, और अगर ऑन कंडीशन में है तो लॉक ऑन ऑफ नहीं होगा, और अगर ऑन ऑफ की स्विच शॉर्ट हो जाती है तो मोबाइल चालू बंद होता है, यानी रिस्टार्ट होता है और पूरा चालू नहीं होता है। अगर वॉल्यूम की स्विच ओपन कंडीशन में है यानी काम नहीं कर रही है तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं होगा। अगर वॉल्यूम कम करने वाली स्विच ख़राब होगी तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, और वॉल्यूम ज़्यादा करने वाली स्विच ख़राब होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा। अगर वॉल्यूम की स्विच शॉर्ट है तो फ़ोन रिकवरी मोड में आ जाएगा, या डाउनलोड मोड में आ जाएगा, या फास्ट बूट मोड में आ जाएगा, या सेफ मोड में आ जाएगा। अब हम उसके रिपेयर के बारे में जानेंगे, स्विच को कैसे निकालना है, कैसे लगाना है और कौन सी स्विच कहाँ लगेगी। सभी बेल्ट में एक जैसी स्विचें नहीं लगती हैं, 3 से 4 तरह की स्विचें आती हैं और सभी में अलग अलग लगती हैं, तो कौन सी स्विच कहाँ लगेगी वो हमें पहले जानना होगा। पहले हम स्विच को कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सोल्डर को इस तरह से रखना है और सोल्डर के ऊपर बेल्ट को रख के एक ब्लेड ले लेना है, ब्लेड से पहले ब्लैक पेस्ट को हटाना है और स्विच के नीचे से प्रेस करना है ब्लेड को। इस तरह से आसानी से स्विच ऊपर आ जाएगी। इसी तरह इस साइड से भी इस तरह ब्लेड को नीचे डालना है और स्विच को ऊपर उठाना है। इस तरह से आसानी से स्विच निकल जाएगी। फिर सोल्डर से हम सोल्डर से ऊपर से क्लिक कर देना है। हम दूसरे भी स्विच इस तरह से निकल देते हैं। ध्यान रहे स्विच निकालते वक्त नीचे से बेल्ट कट ना जाए। अब हम बिना पेस्ट वाली स्विच को भी इस तरह से निकालेंगे, सोल्डर के ऊपर रख के ब्लेड से निकाल देना है। बिना पेस्ट वाले स्विच तो आसानी से निकल जाएगी। इन तीनों अलग अलग बेल्ट में अलग अलग स्विचें लगेंगी, आप देख के भी पता कर सकते हो कि कौन से बेल्ट में कौन सी स्विच लगेगी। तो आपको देख के पता नहीं चलता है तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं हम आपको बताते हैं। पहले मल्टीमीटर को लेना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है, वैसे तो आप जैसे स्विच निकालते हो वैसे ही लगा दोगे तो हो जाएगा,
लेकिन उसमें दो पिन वाले तो हो जाती है, लेकिन फोर पिन वाले में अलग अलग रहता है, इसलिए हम फोर पिन वाले को चेक करके डालना सही होगा। दो पिन वाले में तो वैसे ही दो पिन वाली लगा दोगे तो आ जाएगी। इसमें देखोगे तो ऊपर वाले दो कॉमन है और नीचे वाले दो कॉमन है, इसमें दो पिन वाले स्विच लगा दोगे तो हो जाएगा। और ये साइड साइड से शॉर्ट बताएगी, इसमें देखोगे तो ऊपर वाले दो कॉमन और नीचे वाले दो कॉमन है, और इसमें साइड साइड से दो शॉर्ट होगी। मेरे पास ये अलग अलग स्विचे हैं और हम लगा के चेक करेंगे। ये फोर पिन वाले स्विच हैं, ये टू पिन वाले में नहीं लगेगी, वो साइड साइड से शॉर्ट होती है। इसमें ये दूसरा है, ये आप दो ट्रैक वाले बेल्ट पे लगा सकते हो। और ये भी दो पिन वाली है, लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो चार पिन दिखाई देगी, इसे भी आप दो पिन वाले में लगा सकते हो। और ये साइड में रखे फोर पिन वाले बेल्ट पर भी आ जाती हैं। अब हम चेक करके लगाएंगे इसमें बेल्ट और स्विच दोनों, चेक करके देखेंगे किस तरह से किस बेल्ट में ये लग जाएगी। इस बेल्ट को चेक करते हैं, आप देख सकते हो कि ऊपर की गाइड से दोनों शॉर्ट हैं। तो इस स्विच को चेक करते हैं तो ये भी ऊपर के साइड से शॉर्ट है, इसको चेक करते हैं तो ये शॉर्ट नहीं है, और इसको चेक करते हैं तो ऊपर वो तो दो पिन वाले है शॉर्ट होगी। इसे साइड से चेक करते हैं तो साइड से शॉर्ट होगा, ऊपर नीचे से अलग से। ये स्विच साइड साइड से शॉर्ट है, ये फोर पिन वाले में लग जाएगी। इसको उठा के इस बेल्ट पर लगते हैं, और ये फोर पिन वाली है लेकिन दो पिन की तरह ही है, ये इस बेल्ट में लग जाएगी। और ये टू पिन वाले हैं तो उसे टू पिन वाले में ही लगाते हैं। अब हम स्विच को लगाते कैसे देखते हैं। सोल्डर पे बेल्ट रख के चारों ट्रैक पे सोल्डर कर देंगे थोड़ा थोड़ा। अब सोल्डर पे बेल्ट को रख के ऊपर स्विच रख देंगे। सोल्डर का टेम्परेचर अपने हिसाब से रखना है, बेल्ट जलाए ना और स्विच भी लग जाए, इस तरह से स्विच को सही से फिक्स कर देंगे। बस ये लग गई स्विच।
ये टू पिन वाली को लगा के चेक करते हैं। उसमें भी इस तरह दोनों टेक पे सोल्डर करके ऊपर स्विच रख देंगे। थोड़ी पेस्ट लगा लेंगे ताकि स्विच आसानी से फिक्स हो जाए। ये भी इस तरह आसानी से लग जाएगी। अब ये स्विच लगा के चेक करते हैं। उसमें भी इसी तरह ही पेस्ट लगा के चारों पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर देंगे और ऊपर स्विच रख देंगे। ये भी उसी तरह से लग जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।